राजस्थान में अभी कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तस्वीरें आपके सामने, खबरें आ रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंच चुके हैं। मंच पर भी बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बस कुछ ही देर में भजन लाल शपथ लेंगे और अमित शाह जयपुर में लैंड कर चुके हैं। कुछ ही देर में वो जब समारोह में पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री का काफिला इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार आगे बढ़ते हुए। राजस्थान में देखिए भजन लाल शर्मा की ताजपोशी अब से थोड़ी देर में होने वाली है। शपथ से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया है भजन लाल शर्मा ने। थोड़ी ही देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा का शपथ ग्रहण भी होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र तीनों को शपथ दिलाएंगे। खास बात देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि आज भजन लाल का जन्मदिन भी है, तो आज का दिन उनके लिए बेहद खास हो जाता है। प्रधानमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। जयपुर में वो पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ये पूरा आपको बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा आपको जमघट दिखाई देगा। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। मंच से तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह के अतिथिगण यहां पर पहुंच गए हैं। तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल में ये शपथ ग्रहण अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं। मंच पर ये सभी केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भजन लाल शर्मा ने अपने माता पिता के पैर धोकर उनका सुबह आशीर्वाद लिया था। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार उन्हें बीजेपी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन भजन लाल का जन्मदिन भी है। ऐसे में समारोह में निकलने से पहले उन्होंने अपने माता पिता के पैर धोकर उनका आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और अब बीजेपी के सभी दिग्गजों के साथ इस वक्त समारोह में बैठे हुए भजन लाल शर्मा। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री का काफिला भी जयपुर में पहुंच चुका है और कुछ ही देर में ये समारोह शुरू हो जाएगा। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, 1 बजे का कार्यक्रम है और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह सभी दिग्गज मंत्री इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और आज का ये शपथ समारोह बेहद खास होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसमें जुड़ने वाले हैं। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंच पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अब से थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचे हुए देखेंगे। अमित शाह आपको दिखाई देंगे मंच पर, जेपी नड्डा आप देख सकते हैं, अरुण सिंह हैं, प्रहलाद पटेल हैं, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस शपथ समारोह के में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। तो देखिए राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किया है। थोड़ी ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर अब से थोड़ी ही देर बाद जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे वैसे ही उनका शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने हालांकि जैसे कहा, आपको याद होगा कि राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्य के मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के साथ शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नए विधायकों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर जगह दी है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा संगनेर से विधायक हैं और पहली बार ही विधानसभा पहुंच रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री बनने वाले दिया कुमारी विद्याधर नगर और प्रेमचंद बैरवा दूदू से विधायक हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह में सभी बीजेपी के दिग्गजों के बीच ये आज शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल समारोह में प्रधानमंत्री के पहुंचने की खबर भी है। उनका काफिला बस शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचने ही वाला है और शपथ लेने से पहले बता दें आपको, बैरवा ने गणेश मंदिर में सुबह मत्था टेका था और भजन लाल ने भी सुबह भगवान के दर्शन किए। वो सुबह दिया कुमारी की
तस्वीरों में भी देखा गया कि उन्होंने भी भगवान के सुबह दर्शन किए और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंच चुके हैं और सीएम सावंत ने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। अपने बर्थडे वाले दिन ही सीएम की शपथ लेंगे भजन लाल शर्मा। अल्बर्ट हॉल के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ भजन लाल शर्मा कुछ ही देर में लेने वाले हैं। आज यानी 15 दिसंबर को ही भजन लाल शर्मा का जन्मदिन भी है। वो अपने जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और देखिए भजन लाल शर्मा के करियर पर एक करियर ग्राफ पर नजर डालते हैं और आपको बता देते हैं कि आखिर वो है कौन। तस्वीरों के जरिए देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने हैं भजन लाल शर्मा। कांग्रेस उम्मीदवार को 48,081 मतों से इन्होंने शिकस्त दी। आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं भजन लाल शर्मा। सामान्य वर्ग से आते हैं भजन लाल शर्मा। जैसे हमने आपको पहले बताया कि पहली बार विधायक चुने गए राजस्थान में बीजेपी महामंत्री के तौर पर ये काम कर रहे थे। भजन लाल शर्मा ने मास्टर्स डिग्री तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र से एमए इन्होंने की है। भजन लाल शर्मा के पास लगभग 2 करोड़ की संपत्ति है। भरतपुर के रहने वाले हैं 56 साल के भजन लाल शर्मा। बीजेपी संगठन का अहम चेहरा माने जाते हैं भजन लाल शर्मा। और ये पूरा आपको करियर ग्राफ बता रहे हैं और दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये कहां से आते हैं, कहां से उठकर ये कहां पर पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम इसकी शुरुआत होने जा रही है तमाम बीजेपी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी के बीच में। और इंतजार किया जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। काफिला हम आपको दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरों में दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर शपथ लेंगी। प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो जयपुर का अल्बर्ट हॉल है जहां पर यह कार्यक्रम पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सांगानेर विधायक भजन लाल शर्मा आज राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने को है। दिया कुमारी इस वक्त स्टेज पे नजर आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी शपथ लेंगी। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में समारोह शुरू होने वाला है। भजन लाल ने समारोह में जाने से पहले कहा जा रहा है कि सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। दिया कुमारी कौन है वो बता दीजिए जरा। पहले आपको ये बता दें कि दिया कुमारी कौन है। दिया कुमारी ने कांग्रेस उम्मीदवार 2013 में पहली बार वो विधायक बनी और साल 2019 में रामसमंद सीट से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता था। 2019 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सदस्य रही दिया कुमारी और लंदन के चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। होटल, स्कूल, संग्रहालय सहित कई व्यापारिक संपत्तियां इनके नाम है। दिया कुमारी के पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई जाती है। और अगर प्रेमचंद बैरवा की बात करें तो राजस्थान के दूदू सीट से विधायक है प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद ने कांग्रेस उम्मीदवार को 35,743 मतों से हराया और राजस्थान में दलित परिवार से आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद ने एबीवीपी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बीजेपी के मंडल महामंत्री के रूप में प्रेमचंद काम कर चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की है प्रेमचंद बैरवा ने। साल 1995 में दुदू ब्लॉक संगठन में काम किया और साल 2000 में दुदू के वार्ड 15 जिला परिषद सदस्य रहे हैं प्रेमचंद बैरवा। इनके पास 4.25 करोड़ की कुल संपत्ति बताई जाती है। एक पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं प्रेमचंद।